उत्तराखंड वाली क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव के पास नहर खोलने को लेकर मोरी डैमेज्ड हो गई। नहर में फाटक लीकेज हो गई जिससे भारी मात्रा में पानी लीक हो रहा है। नहर की फाटक खोली गई जिससे पानी का निकास हो रहा है। बांध जल्द ही खाली हो सकता है। ऐसे में किसान चिंता में पड़ गए हैं। साथ ही पूर्व चौकीदार डूंगर सिंह चौहान एवं ग्रामीणों ने बांध पर जाकर देखा, जिसमें पता लगा कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में चौकीदार डूंगर सिंह का कहना है कि मेरे द्वारा बांध की चौकीदारी की जाती थी, लेकिन तनख्वाह ना मिलने के कारण बांध की चौकीदारी करना बंद कर दी। ऐसे में लीकेज की सूचना मिलने पर जायजा लेने आया था। वाली विधायक पुष्पेंद्र राणावत व दुदनी सरपंच रंबा देवी को जानकारी दी, जिसमें दुदनी सरपंच के द्वारा कहा गया कि जल्द ही लीकेज को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों का कहना है कि 3 साल से पंचायत के द्वारा खाली वादे ही हो रहे हैं। कितने समय से दुदनी सरपंच रंबा देवी व सरपंच प्रतिनिधि करण देवासी को अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 3 साल से सिर्फ बातें ही हो रही हैं। रंगनाथपुरा बांध के कच्ची दीवार के पास डैमेज्ड मोरी फाटक बनी हुई है। नहर फाटक से पानी लीकेज हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि करण देवासी कितनी बार अवगत कराया गया उन्हें, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रविंद्र भारत न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की विशेष रिपोर्ट।